नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा की ओर से शुरू हुए विजय संकल्प सभा के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी में बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग से भदोही में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने चली गई, मगर भदोही से वापस लौटने पर एयरपोर्ट के गेट के सटे पटेल चाय पकौड़ी की दुकान पर उनका काफिला रुका। दुकान पर पहले से ही मौजूद भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ चाय पकौड़ी की दुकान पर कुछ ऐसी बातचीत हुई जो यहाँ मौजूद लोगों में काफी चर्चा का विषय बन गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके साथ मौजूद लोगों ने दुकान से ब्रेड पकौड़ा खाया और चाय भी पी। इस दौरान चाय और पकौड़े की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दुकानदार से कहा कि चाय और पकौड़ा काफी अच्छा बनाते हो, चलो अमेठी में दुकान खोल लो। जिस पर दुकानदार ने कहा कि इसे बनाना गुजरात से सीख कर आया हूँ और बनारस में बेच रहा हूँ, यही बहुत है। जिससे वहाँ मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा कि गुजराती बोलते हो, तो चाय वाले ने कहा कि नहीं, हमारी हिंदी सबसे बढ़िया है। इसके बाद चाय और पकौड़े के पैसे देकर स्मृति ईरानी वापिस चली गई।